सो हे गाइस सर, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एंड आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सो दोस्तों यार, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, ठीक है, स्कूल के बाहर डीबीएस इंटर कॉलेज रमदियालगंज जौनपुर। सो दोस्तों मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी गुरु। सो दोस्तों आज हम आपको स्कूल के बारे में बताने वाले हैं। तो गाइस चलिए, हम अभी बाहर ही खड़े हैं, तो गाइस चलिए हम आपको डायरेक्ट हम अंदर ले चलते हैं एंड अंदर आपको हम दिखाते हैं। तो गाइस यार नज़रें जमाए रहिए एंड हम आपको अंदर चल के दिखाते हैं। तो गाइस चलिए हम अंदर चलते हैं। सर फाइनली हम यहाँ पे आ चुके हैं एंड आगे आपको चल के सारी चीज़ें दिखाते हैं कि कौन सी चीज़ क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं एंड क्या क्या सिस्टम है इस स्कूल के बारे में। तो गाइस नजरें जमाए रही है, हम आगे चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से पूरा ग्राउंड है, ठीक है, ये बैक है, इंड पोजीशन है। तो गाइस आइए हम चलते हैं। तो गाइस पहले इधर लैब की तरह चलते हैं एंड आपको लैब की तरह दिखा देते हैं, ठीक है। तो गाइस आइए नजरें जमाए रही है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिस है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफिस है, ठीक है। तो गाइस आइए आगे हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो फाइनली गाइस यार हम यहाँ पे देख सकते हैं फिजिक्स लैब के सामने खड़े हैं। तो गाइस अंदर चलते हैं यार एंड आपको दिखाते हैं। तो गाइस नज़र जमा रही है, आइए हम आगे अंदर चलते हैं। गाइस देख लीजिए यहाँ पे सारी चीज़ें, इक्विपमेंट्स, सारी एक्सपेरिमेंट की चीज़ें, इक्विपमेंट सारे रखे हुए हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे सर लोग बैठते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं भारी भारी मशीनें हैं, ठीक है, जो भी इक्विपमेंट फिजिक्स का जो भी होता है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड वो सब यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो गाइस आप लोग यहाँ से पूरा माहौल देख ही सकते हैं, हम आपको एक अच्छे तरीके से दिखा देते हैं। सो गाइस सर फाइनली आप फिजिक्स लैब को देख ही चुके हैं, तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कौन कौन सा लैब है एंड क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, वो सब आज हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो गाइस आइए, ये है बायो लैब, ठीक है, ये है बायो लैब, आप देख सकते हैं, ठीक है, बायोलॉजी लैब है। तो गाइस चलिए यहाँ से हम इंटर करते हैं बायो लैब में, ठीक है। तो गाइस आप लोग देख ही सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, फैन भी ऑन है, गर्मी लग रही थी, ठीक है, क्योंकि गर्मी का समय है तो थोड़ा हवा भी ले लेंगे इसी बहाने, ठीक है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो गाइस हम आपको आगे पूरा चल के दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, गाइस आपको स्पेशली दिखाते हैं स्केल्टन, ह्यूमन स्केल्टन। तो गाइस यार यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये स्केल्टन है, ह्यूमन स्केल्टन है, ठीक है, जो कि आप देख ही रहे हैं। मैं भी पहले दिन आया था भाई, डर गया था, क्योंकि भाई ये जो लग रहा है एकदम असली लग रहा है, तो फिर मुझे बाद में धीरे धीरे पता चल गया कि ये नकली है, प्लास्टिक का बना हुआ है, ठीक है। तो गाइस चलो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पिजन का स्टैचू है, काफी प्रोफेशनल तरीके से लग रहा है। दोस्तों मैं आपको जैसा कि इस समय आप लोग जान ही सकते हैं, इस समय मैं कंप्यूटर लैब में हूं। तो गाइस यहां से आप पूरा सिस्टम देख सकते हैं, कंप्यूटर लैब काफ़ी कितना बड़ा है और कितना मतलब है, और हर जगह कंप्यूटर है, सारे कंप्यूटर यहां पे वर्क करते हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। एंड यहां पे यूपीएस भी पूरा ध्यान भी, यहां यूपीएस का पूरा ध्यान रखा गया है। एंड जैसे मान लीजिए पावर सप्लाई इंड हो गई, तो सभी यूपीएस वर्क करते हैं एंड सारे कंप्यूटर अच्छे तरीके से वर्क करते हैं अपनी जगह पर। तो गाइस यार जैसा कि आप लोग कंप्यूटर साइंस के टीचर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो भी टीचर्स हैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, तो यहाँ पे सारे एमसीए बीसीए एलिजिबल है और एक्सपीरियंस वेल 5 ईयर 6 ईयर है। तो है गाइस यार फाइनली आप देखते हैं ये केमिस्ट्री लैब है। गाइस चलिए हम यहाँ पे सर अंदर बैठे हैं, तो पूछ के हम अंदर जाते हैं। तो गाइस मैं कमिंग सर, थैंक यू सर। तो देख सकते हैं, सबसे पहले चलिए हम सर से मिलाते हैं।
तो सो है गाइस यार, यहाँ पे देख सकते हैं हमारे केमिस्ट्री सर हैं और केमिस्ट्री लैब में बैठे हुए हैं। तो गाइस चलिए आपको इनसे थोड़ा जानकारी दिलवाते हैं। तो गाइस मिलिए। हेलो एवरीवन, आई एम धीरेन सिंह, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट फ्रॉम डी के सिंटर कॉलेज। तो गाइस यार देख लीजिए, यही हमारे डी के सर ये समय हमारे क्लास में केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। ठीक है, अच्छा लगता है और अच्छा होना भी चाहिए। ठीक है, एक टीचर को स्टूडेंट बन के ही पढ़ाना चाहिए, तभी स्टूडेंट को समझ भी आता है। तो गाइस हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे सारे केमिकल वगैरह रखे हुए हैं। तो है गाइस यार, फाइनली आप लोग देख सकते हैं हम इस समय यहाँ पे आ चुके हैं ड्रिंकिंग वाटर। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर है और आरओ प्योरीफाइड वाटर है एंड कोल्ड है, मतलब सीजन के हिसाब से ये वाटर देता है। ठीक है, तो आप लोग देख ही सकते हैं और हम आपको दिखा देते हैं आगे चल के, और नज़रें जमाए रहिएगा। तो फाइनली गाइस आइए हम आगे क्लासेस की तरफ चलते हैं। अभी तो हम ग्राउंड फ्लोर में ही हैं, नीचे साइड ही हैं। तो गाइस ठीक है, तो अभी हम आगे आपको चलते हैं, दिखाते हैं कि आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर नल भी है, स्टूडेंट आते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं प्लांट्स भी हैं हमें, जो कि ऑक्सीजन भी मिलते रहते हैं। ठीक है, तो गाइस हम आपको बैक कैमरा करके दिखा देते हैं पूरा इसको। सो है गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और ये है गर्ल्स टॉयलेट अलग बनाया गया है और बॉयज़ टॉयलेट अलग। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे जनरेटर लगाया गया है, यहाँ पे पावर सप्लाई होता रहता है। और हमारे स्कूल में हरदम, मतलब जब तक बच्चे रहते हैं तब तक पावर सप्लाई रहता है। और ये देखिए कैंटीन वाले अंकल जी हैं, तो देखिए यहाँ पे कैंटीन भी है। और यहाँ पे देखिए ये डस्टबिन, पेंगुइन जैसे डस्टबिन रखे हैं। और यहाँ पे प्लांटेशन की बहुत ही ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, देख सकते हैं आप लोग कितने सारे प्लांट्स लगाए गए हैं। और यहाँ से आप लोग एक बार व्यू देख लीजिए बैक कैमरा से, जो कि स्कूल बहुत ही आकर्षित तरीके से बनाया गया है। और देखिए थर्ड फ्लोर पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और उसके सेकंड साइड में जो कि बच्चे पढ़ते हैं वहाँ 6, 7, 8 क्लास के बच्चे थर्ड फ्लोर पे पढ़ते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे कितने बेहतरीन तरीके से सारे प्लांट्स लगाए गए हैं, और साफ़ सफाई का बहुत ही ध्यान रखा जाता है यहाँ पे। और जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कैमरा दिखेगा जो कि पूरे ग्राउंड और पूरे स्कूल का व्यू लेता है यहाँ से। उसके बाद जो कि अभी हमने आपको दिखाया था अपने वीडियो में, कि वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिस में कैमरा था, तो वहाँ से प्रिंसिपल सर की सारी कंट्रोलिंग रहती है। तो ये देखिए, ये है बच्चों को, मतलब जब छुट्टी हो जाती है उसके बाद जाने के लिए। जैसा कि वहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से ये गेट लगाया गया है, इधर सारी बसेस खड़ी होती हैं। जैसा कि अभी हम लोग उसके उस पार तो नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ से आपको एक दिखा सकते हैं ज़रूर। यहाँ पे देखिए सारी बसेस खड़ी होती हैं, यहाँ से सारे बच्चे ही आते हैं और जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्लांटेशन को बहुत ही ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, और स्कूल के चारों तरफ एक रोड बनाया गया है, जो कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे है वो प्लेस जहाँ पे सारी बसेस खड़ी होती हैं। तो यहाँ पे देखिए, अभी तो बसेस सारी लगी नहीं, लेकिन छुट्टी के टाइम तक सारी बसेस लग जाती हैं। बच्चों के लिए वाटर ड्रिंकिंग के लिए टैप लगा है, जो कि यहाँ पे आरओ का और ठंडा पानी आता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्कूल का गैलरी कितना ही ज़्यादा लंबा है। तो उसके बाद यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि प्लांटेशन का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा गया है, ताकि एक फ्रेश सराउंडेड, मतलब कि एक वातावरण जो है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाएगा। सो है गाइस, सर फाइनली आप लोग देख सकते हैं काफ़ी भाई ने जो दिखाया एंड सब कुछ सही है। ठीक है गाइस, आगे हम और भी आगे क्लासेस की तरफ। तो गाइस यहाँ पे ये सब नर्सरी का क्लासेस है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नर्सरी का क्लासेस है, एंड आगे हम आपको ले चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभी तो लंच हुआ है। ठीक है, अभी तो लंच हुआ है, तो आगे आपको क्लासेस दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी फायर है, फायर हॉस्ट्री। ठीक है, काफ़ी सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाता है और होना भी चाहिए। तो फाइनली गाइस आप लोग, यहाँ का भी एक इंडे पोजीशन है, यहाँ से स्टूडेंट सारे बाहर जाते हैं। ठीक है, अभी तो ये लॉक है, इसको हम लॉक कर देते हैं, जाने तो इसको हम लॉक कर देते हैं। ठीक है, अभी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो गाइस आगे हम चलते हैं। सो है गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को ब्लॉग में दिखाया, गाइस जितना मुझसे हो सका मैंने उतना आपको ब्लॉग दिखाने की कोशिश किया है, और सपोर्ट करेंगे तो मैं इसी तरह का आगे भी ब्लॉग डालने की कोशिश करता रहूँगा। तो गाइस इस समय यहाँ पे देख सकते हैं मैं वीडियो को एडिट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी एडिट भी करना जरूरी है।
ठीक है। तो भाई वीडियो को मैं एडिट कर रहा हूँ, तो गाइस यार वीडियोस अच्छा लगा होगा ना, थोड़ा सा भी अच्छा लगा भाई प्लीज़ वीडियोस को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर भाई सपोर्ट कर देंगे तो मैं इसी तरह का आगे भी ब्लॉग आप लोगों को यूट्यूब पर अपलोड करता रहता हूँ। यार सो दोस्तों यार नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।